ज्यादा हो गया युवराज। यार मैंने तो तुझे पहले ही मना किया था, ये तो कह रहे भाई तुझे केस हो जाएगा। अगर उस लड़की को कुछ हो गया तो पूरा जो देखा मैं चला पापा छोड़ूंगा नहीं उसको, पुलिस में कंप्लेन कराऊंगा। कौन है वो लड़का, कॉलेज का स्टूडेंट है या कोई गुंडा मवाली? अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो? अरे कॉलेज है या गुंडों का अड्डा? पापा प्लीज प्लीज पापा ऐसा कुछ मत कीजिए। जैनसी डॉक्टर ने क्या कहा था, अगर जरा से भी देर हो जाती तो उसे तुम्हें जेल भिजवा कर ही रहूंगा। पापा पापा मैं जानती हूँ सिचुएशन सीरियस हो सकती थी, लेकिन अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और वैसे भी मैं इस बात को अब बढ़ाना नहीं चाहती। डरते हम किसी से, गलती उसने की है, उसको डरना चाहिए। आपकी बेटी हूँ पापा, डरना तो आपने सिखाया ही नहीं ना। पापा आप उस लड़की को नहीं जानते, ये सब माँ वो ये सब सिर्फ इसलिए कर रहा है क्योंकि उसको अटेंशन चाहिए, और अगर हम पुलिस रिपोर्ट करेंगे ना तो उसे और अटेंशन मिलेगा और वो हमारा पीछा कभी नहीं छोड़ेगा। अगर कल फिर उसने ऐसा कुछ किया तो? अगर हम रिपोर्ट फाइल करेंगे ना तो वो जरूर करेगा। पापा प्लीज मैं कॉलेज स्टडी करने के लिए जाना चाहती हूँ, मैं नहीं चाहती कि मेरी पढ़ाई को कोई भी नुकसान हो। देखो बेटी तुम ये बोल सकती हो पर एक बाप उसे माफ नहीं कर सकता। जैसे तुम्हारी ये हालत देखकर मेरी क्या हालत हो गई थी। I love you पापा, पर आपने ही सिखाया है ना, माफ करो और भूल जाओ। पापा युवराज भी एक स्टूडेंट है, और अगर हम ये पुलिस रिपोर्ट करेंगे ना तो उसका करियर, उसकी पूरी लाइफ बर्बाद हो सकती है। अगर मैं कंप्लेन नहीं करूंगी तो उसे वो टेंशन भी नहीं मिलेगा जो वो चाहता है, उसे इग्नोर करना ही बेटर है पापा, यही उसकी सजा होगी। वो चाहती तो मेरी कंप्लेन भी कर सकती। ये मैंने क्या कर दिया, ओह गॉड। नैना सैंडविच और नैना तुम एक वेजिटेबल सैंडविच और एक कॉफी प्लीज। नैना हाँ अभी मैं दे देती हूँ, तुम बाद में मुझे दे देना। नहीं इट्स ओके अरे मैं देती हूँ, मैं हेल्प कर दूँ। देख आज तू दे देगी लेकिन कल को अगर मैं अकेली हुई तो क्या करूँगी। I have to help myself now. इतना
बड़ा एक्सीडेंट भी इसकी हिम्मत नहीं तोड़ पाया, तो मैं कौन होता? मैं ऐसा कर सकता हूँ इसके साथ? भाई भाई युवराज भाई, क्या हुआ? सॉरी, मेरी लाइफ में तो क्या, खुद की लाइफ में भी इंपॉर्टेंस नहीं रखते, इसलिए डोंट बॉदर। ये लीजिए मैम। रहने दो मैम, क्रेडिट अलाउड है। नहीं मैम, रहने दीजिए। वीडियोस के लेक्चर नैना को जरूर दे देना, 2 दिन की रिकॉर्डिंग है, बहुत इंपॉर्टेंट, उसे रेफरेंस की कोई जरूरत नहीं है। ओके चलो, क्लास खत्म होती है उसे गेट के बाहर लेके आना, मैंने रिक्शे वाले को वहां खड़े रहने के आधे घंटे के पैसे दे दिए। ओके बाय। यहां समझते हो तुम अपने आप को रॉबिनहुड हो या कोई सोशल वर्कर? मैं कोई चैरिटी केस नजर आती हूँ क्या तुम्हें? What do you think of yourself? मैंने गलती की है और उसे सुधारने की कोशिश कर रहा हूँ बस। पैसों से खरीद कर गलतियां नहीं सुधारी जाती। और कौन सी गलती की बात कर रहे हो तुम? जो मेरे साथ हुई वो, या जो इतने सालों से इतने स्टूडेंट्स के साथ करते आ रहे हो वो? शायद मेरा ये प्लास्टर रोज नजर आता है तुम इसलिए गिल्टी फील कर रहे हो, लेकिन ऐसे बहुत से स्टूडेंट्स हैं इस कॉलेज में युवराज सिंघानिया, जिनको तुमने चोट पहुंचाई है। उनकी चोटें दिखती नहीं है, ये और बात है। क्या हुआ, चुप क्यों हो? क्या उनके लिए भी बाहर रिक्शे वाले को पैसा दोगे या कैंटीन वाले को? बोलो, ऐसा सबके साथ करोगे तुम? हाँ नहीं, पता है क्यों? क्योंकि इतनी हिम्मत नहीं है तुम्हें कि उन सबकी नजरों को फेस कर सको। सो प्लीज जस्ट स्टॉप, अपनी इस फेक दुनिया से बाहर निकलो और मुझे शांति से जीने दो। मैंने आंखों में देखा है नैना, ट्रस्ट में वो बदल चुका है। वो हर दिन इस ताक में रहता है कि कब उससे माफी मांग सके। कच्ची डोरियों 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 से मैनू तू बांध ले, पक्की यारियों 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 में होंदे ना फासले। ऐ नाराजगी कागजी सारी तेरी, मेरे सोनिया सुन ले मेरी दिल दिया गल्ला। I'm gonna get out.
ਮਿਲ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੈ ਕਰਾਂਗੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਅੱਖ ਨਾਲ ਅੱਖ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਤੂੰ ਛੁਪਾ ਕੇ ਰੱਖਾ ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਸਜਾ ਕੇ ਤੂੰ ਐ ਮੇਰੀ ਵਫਾ ਰੱਖ ਆਪਣਾ ਬਣਾ ਕੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਲਈ ਆ ਤੇਰੇ ਲਈ ਆ ਯਾਰਾ ਨਾ ਪਾਵੇ ਕਦੇ ਦੂਰੀਆਂ ਤੈਨੂੰ ਲੱਕਾਂ ਤੋਂ ਛੁਪਾ ਕੇ ਕਿਆ ਹੋਆ ਨੈਣਾ ਕਿਆ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋ ਸਮਝ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ये सब युवराज ने इन लड़कों को हॉस्टल में बहुत बुरी तरह से रैक किया बस वही बदला निकाल दे वो लेकिन युवराज इतना चुप क्यों है Enough guys एक और बार ऐसा किया ना तो मैं सीधा कंप्लेन कर दूंगी Now get out. निकलो यहां से थैंक्स युवराज अगर आज के बाद कोई तुम्हें तंग करे ना तो नैना के पास आ जा वो क्या है ना नैना को बहुत एक्सपीरियंस है क्यों कर रहे हो तुम ये सब तुमने ही तो कहा था ना कि मैंने इतने लोग यू नो एंड देन आई रियलाइज्ड यू आर राइट अगर कुछ ठीक करना ही है तो सबके लिए करना है कैसा लगता है जब लोग मजाक उड़ाते हैं वो लाइन से धक्का दे देना क्लास में तंग करना बेवजह टांग खींचना आई नीड टू फील ऑल दिस नैना पर वो लोग तुम्हारी इंसल्ट कर रहे हैं अपनी भड़ास निकाल रहे थे जो जरूरी भी है क्या तुम ये सब मेरे लिए कर रहे हो नहीं अपने लिए लेकिन तुम्हारे कारण जरूर कर रहा हूं क्योंकि अगर तुम मुझे कल डांटती नहीं तो मुझे कभी रियलाइज ही नहीं होता अपने आप को हेट मत करो युवराज क्योंकि मैं तुम्हें हेट नहीं करती इनफैक्ट मैं तो तुमसे हाथ ठीक होने के बाद सबसे पहली चीज मैंने यही लिखी थी और तुम्हारे पेरेंट्स वो तो मुझे कभी भी उनसे मैं बात करूंगी तुम्हारा दिमाग तो ठीक है तुम ये कैसे भूल गई कि तुम्हें उसने हॉस्पिटल तक पहुंचा दिया था समझ में नहीं आता कि तुम जैसे पढ़ी लिखी लड़की उसकी झूठी बातों में कैसे आ गई क्या पता वो प्यार करने का नाटक कर रहा हो ऐसा क्यों करेगा वो माँ पुलिस केस से बचने के लिए और किसके लिए अपनी काली करतूतों को छुपाने के लिए नैना युवराज जैसे लड़के कभी नहीं बदलते वो पहले तुमसे प्यार करने का नाटक करेगा और फिर वो तुम्हें चोट पहुंचाएगा माँ प्लीज मैंने अपनी आंखों से खुद देखा है वो पहले जैसा नहीं रहा वो बदल चुका है माँ उसकी आंखों में सच्चाई है और तुम्हारी आंखों पर पट्टी एक बात ध्यान से सुनो
युवराज को मैं तुम्हारा लाइफ पार्टनर कभी नहीं बनने दूंगा, ये मेरा आखिरी फैसला है। तुम्हारे पेरेंट्स बिल्कुल ठीक कह रहे हैं ना, जैसा काम मैंने किया उसके बाद उनको पूरा हक है मेरे ऊपर शक करने का। लेकिन युवराज, नहीं तुम ही बताओ, जो सब मैंने तुम्हारे साथ किया, सबके साथ किया, मेरी रेपुटेशन के बाद कोई भी पेरेंट्स अपनी बेटी का हाथ मेरे हाथ में क्यों देंगे? क्योंकि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। वही तो नैना, मैं हमेशा से जानता था, हमेशा सोचता था कि मुझे अपनी गलतियों का हिसाब से चुकाना पड़ेगा, लेकिन ऐसे चुकाना पड़ेगा, हमारे प्यार के लिए चुकाना पड़ेगा, ये कभी नहीं सोचा था। I don't care, युवराज, कुछ भी हो जाए मैं सिर्फ तुम्हारे साथ रहूंगी। है ना, you trust me? मुझे विश्वास करती हो ना? तो बस, मेरा प्यार कोई टीनेज लव नहीं है जो आज है और कल खत्म। आई लव यू फॉर एवर, अपनी पूरी लाइफ तुम्हारे साथ स्पेंड करना चाहता हूँ, और उस लाइफ के लिए अगर ये कुछ मोमेंट सेक्रीफाइस भी करने पड़े तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तुम्हें पाने के लिए जो करना पड़े मैं करूंगा। मैं अपने पेरेंट्स से फिर बात करूंगी, जो सच्चाई मुझे नाकों में दिखाई दे रही है, I'm sure, उन्हें भी दिखाई देगी। आप समझने की कोशिश तो करो। नमस्ते, मैं सिंघानिया ग्रुप का मैनेजिंग डायरेक्टर धनराज सिंघानिया और नैना की कॉलेज का ट्रस्टी भी हूँ। आइए ना। आपका अचानक यहाँ आना, कहीं मेरी बेटी से कोई गलती तो नहीं हुई? युवराज, इसकी तरफ से मैं आप लोगों से माफी मांगना चाहता हूं। एक्चुअली गलती मेरी है, बिन माँ का बेटा है, अपने बिजनेस से हटकर कभी इसकी तरफ ध्यान नहीं दिया मैंने, सही गलत सिखाने का मौका ही नहीं मिला। एक वक्त तो सोचा कि मैं अपने बेटे को खो चुका हूं, लेकिन जो मैं नहीं कर पाया वो आपकी बेटी ने कर दिखाया। जब मुझे पता चला कि इसने क्या किया है तो सच मानिए मेरा हाथ उठ गया था, लेकिन जब इसकी सजा के बारे में मुझे पता लगा तो मुझे रियलाइज हुआ कि इससे अच्छे पनिशमेंट तो हो ही नहीं सकती। सिंघानिया साहब, मैं उस हादसे को बिल्कुल भूल चुका हूं, उसके बारे में मैं बात नहीं करना चाहता। मेरी आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, आज पहली बार लड़का सुधर रहा है, वो भी इस लड़की के प्यार, इसमें मैं आप लोगों से आपकी बेटी का हाथ मांगने आया अपने इस नालायक बेटे के लिए। मैं जानता हूं कि इस लड़के में ऐसी कोई क्वालिटी नहीं है जिससे कि आप अपनी बेटी दे सके। आप खुद सोचिए, जब आपकी समझदार बेटी ने इसे चुना है तो इसमें कुछ तो होगा। मेरा एक लौता बेटा है, अगर मेरे घर में आपकी बेटी बहू बनकर आ जाए तो ये घर कंप्लीट हो जाएगा। शायद इस घर को नैना जैसी बहू की ही जरूरत है। मैं जानता हूं कि माफी मांगने से नहीं मिलती, कि मैं उस दिन का इंतजार करूंगा कि आप लोग मुझे सचमुच में माफ कर दें। और
तब तक मैं और नैना शादी की बात तक नहीं करेंगे। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि मैं आपकी बेटी को कोई तकलीफ नहीं होने दूंगा। गलती से इसकी मजाल कोई टोक दे, इश्के जुनून रुके नहीं है बावरी। सिंगारिया साहब, दरअसल हमारी बेटी को अभी पढ़ना है लिखना है, इसलिए थोड़ा सा वक्त। तो इसका मतलब मैं हाँ समझूं? डोंट वरी, मुझे भी एक वर्किंग बहू ही चाहिए। अब तो मेरे बिजनेस को कौन संभालेगा? अगर इस नालायक के हाथ में सौंप दिया तो ये तो मेरा बचा कुचा बिजनेस भी डुबो देगा। क्रिएशन का कोई भी वीडियो मिस ना करें, बेल आइकन जरूर दबाएं। क्रिएशन का कोई भी वीडियो मिस ना करें, बेल आइकन जरूर दबाएं।